वेलकम टू डॉक्टर कांता बूसरास पब्लिक अवेयरनेस सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 12। नॉट ईच एंड एवरी हेडेक इज माइग्रेन। बाकी की हकीकत में आपको ये स्टोरी सुनाने के बाद बताऊंगी। स्टोरी सच्ची है। स्टोरी का जो मेन किरदार है उसका नाम रख देते हैं विश्वा। विश्वा को मेरे क्लिनिक पे लेके आए थे, साथ में सास, चाची, मामी और गांव के दो चार लोग थे। उसको व्हीलचेयर में अंदर लाए, पर वो बैठने के हालत में ही नहीं थी। मेरे सामने बिठाया तो उसने ऐसे गर्दन पे हाथ रखा हुआ था, ऐसे बैठ गई और बोली, मेरे को जल्दी से सुला दो, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरे को कैसे ही हो रहा है, नहीं तो उल्टियाँ हो जाएगी। उसको सुला दिया। उसकी सास ने बोला कि हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए। मैं क्या, ठीक। वो फुल फैमिली US सिटीजन थी और कोविड के बाद में पहली बार पूरी फैमिली को मिलने के लिए इंडिया आए हुए थे। उसकी डिलीवरी हुई थी विश्वा की एक साल पहले, डिलीवरी सीजेरियन सेक्शन से हुई थी। वो नींद पूरी नहीं होती थी, बार बार हेडेक होते रहता था और एक हाथ टाइलेनॉल ले लेती थी, नींद ले लेती थी, सो जाती थी, ठीक हो जाती थी। वहाँ पर ही डॉक्टर को बताया था, उन्होंने माइग्रेन ही बोला था। फिर इंडिया आने के लिए उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत शॉपिंग की और भाग दौड़, उसमें उसका हेडेक बढ़ गया। थोड़ा आराम किया, फिर बाद में उसने वापस प्लेन में आ गए वो लोग, तो प्लेन में उसको हेडेक, उल्टियाँ होने लगी। लकीली उनको बिजनेस क्लास में एक टिकट मिल गया था तो वहाँ पे उसको सुला दिया था और वो लोग इंडिया पहुँच गए। इंडिया पहुँचते ही, गाँव आते ही पहला काम इन्होंने ये किया, फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने देखा कि उसका बीपी थोड़ा सा कम है, दो तीन बॉटल चढ़ाए, इंजेक्शन सब दिए, फिर बोला कि इधर गांव में जो छोटा हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट करा दो, तो एक दो दिन बॉटल बीटल चढ़ाएंगे, ठीक हो जाएगी। तो उसको दूसरे दिन भी बॉटल्स चढ़ाए थे, उल्टी के इंजेक्शन, दुखाव के इंजेक्शन सब दिया था। थर्ड डे वो फिर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी और थर्ड डे तो वो बोल रही थी, मेरे को तो बपरे में खड़े होते ही डबल दिख रहा है, जोर से चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ भी शुरू हो गई थी, बढ़ गई थी शायद, और कान में भी बोले, आप लोग क्या बोल रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सोने दो। उन कंटिन्यूस सोना ही पसंद कर रही थी, तो वो लोग उसको यहाँ पे लेके आए थे। तो उनको बोला, भाई माइग्रेन बराबर है, पर मेरे को लगता है माइग्रेन बोलने के पहले या माइग्रेन बहुत बढ़ गया बोलने के पहले दूसरी कोई बीमारी नहीं है ना, देख लेते हैं। तो उसको एडमिट करा के उसके दिमाग का MRI कराया। उसके MRI में उसके दिमाग में पानी कम हो गया था, ऐसा आया था, उसके कारण ही उसको सिर दर्द, डबल दिखना, कान में आवाज़ आना सब हो रहे थे, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। उसको फर्स्ट थिंग हम लोगों ने ऐसे किया कि उसको वहाँ पे टोटल बेड रेस्ट पे रखा और बेड रेस्ट में उसका सिर ऐसे नीचे की साइड और पैर ऊपर करके रखे थे। कॉफ़ी वीफी पीने को उसको बोला, जितनी पी सकती है पियो, और एडमिटेड रखा। उसके बाद में उसका पानी कहाँ निकल के गया था, क्योंकि दिमाग में पानी कम कैसे हो गया था। जब दिमाग में पानी कम होता है तो लीक कहाँ से हो रहा है या पानी कहाँ से निकल रहा है, ये यानी वो ढूंढना पड़ता है। वो ढूंढा तो उसका लंबर एरिया यानी नीचे वाले मणकों के भाग में लीक मिला था। तो उसको अभी तो सुला के रखा था और उन लोगों को बोला था इसके लिए दूसरी भी ट्रीटमेंट है, ब्लड पैच भी लगा सकते हैं और वो अच्छी हो जाएगी। एनीवे अभी जो भी है, विश्वा पूरी अच्छी है, उसके घर पे गई हुई है। अब आपको मैं समझाऊंगी ये दिमाग में प्रेशर कम हो जाता है मतलब क्या होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, ये दिमाग का पानी क्या है। दिमाग का पानी यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आपका दिमाग है ना, उसके अंदर के भाग में एक कैविटी जैसी रहती है, उसके अंदर आपकी खून की नलियाँ विलियाँ पानी यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तैयार करके भेजती है। उसके अंदर सब न्यूट्रिएंट होते हैं। आपको कोई बीमारी हुई थी, काफ़ी बार बोलते हैं ना, कमर से पानी निकाल के टेस्ट किया, तो वही वो पानी है। तो ये पानी जो अंदर तैयार हो रहा है वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसके अंदर भी जाता है। यही पानी यहाँ से ऊपर आके दिमाग के ऊपर भी कवरिंग के अंदर घूमता रहता है। तो ये क्या है, दिमाग को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, अंदर भी है, ए भी है। अब ये पानी एकदम कम हो गया तो क्या होगा, ये पानी अगर कम हो गया तो ये दिमाग के ऊपर के जो कवर है ना वो भी नीचे ही घसीटे जा रहे हैं
और उसके कारण क्या हो रहा है, उसको गर्दन में बहुत दुखा हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर के कवर और नसें खींची जा रही है और दिमाग अगर नीचे नीचे और आ रहा है, जैसे आप बैठे होता हो या खड़े होता हो, तो उसके कारण सब दिमाग के अंदर की स्ट्रक्चर हिल जाती है, उसके कारण उसको डबल दिख रहा है, कान में आवाज़ आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे के दिमाग का एक एक भाग हिल रहा है और जगह उसकी बदल रहा है। तो उसके लिए तो उसको सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम आती है तब उनको आराम ही करना पड़ता है, टोटल बेड रेस्ट। और बेड रेस्ट के साथ में उनको अगर ये प्रॉब्लम आपके तुरंत ध्यान में नहीं आवे और समझो ये पानी नीचे और लीकिंग ज़्यादा ही चालू है ना, आप ऐसे ही खड़े हों सहन कर रहे हों, तो कभी आप बेहोश भी हो सकते हो, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। मेरा ये वीडियो बताने का एक ही उद्देश्य है, अगर आपको माइग्रेन भी लगता है, माइग्रेन के पेशेंट भी हो, पर रोज़ से कुछ अलग सा हो रहा है, आपका हेडेक खड़े होके बढ़ रहा है, सर दर्द के साथ में गर्दन में सीवियर पेन हो रहा है, हिला भी नहीं पा रहे हो, डबल दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या बाकी सब सिम्टम्स है, खड़े होने के बाद प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेटने के बाद अच्छा लग रहा है, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम दूसरा नहीं है ना, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्या है क्या नहीं ढूंढना डॉक्टर का काम है, क्योंकि दूसरी भी कोई बीमारियों में ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जैसे सब इरेक्टेड हेमरेज बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और ये जो केस मैंने आपको बताया वो डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी दिमाग का इंट्राक्रैनियल हाइपोटेंशन का है। ये होने का कारण लीक से हो सकता है, यानी कहीं पे पानी निकल रहा हो तो उसके कारण हो सकता है, कोई को इंजुरी हुई है, मार लगी है, तो यहाँ पे गर्दन में खास करके निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है टोटल बेड रेस्ट है, या तो ब्लड पैच यानी आपका खुद का ही खून निकाल के वो उधर पैच है ने वो इंजेक्ट करते हैं, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर आते हैं, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट का काम है, और उससे ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें बाजू में ही रखिए, आपके लिए एक ही सूचना है, अगर आपका रूटीन सर दर्द हेडेक बदल उसका स्वरूप बदल गया है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, खड़े नहीं हो पा रहे हो, गर्दन में दुख रही, डबल दिख रहे हैं, दिखने में दिक्कत आ रही है, या और बाकी कोई भी सिम्टम्स साथ में हैं, तो समझिए कि आपको अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है, और रिपोर्ट करा के जो भी है उसका इलाज करना ज़रूरी है। थैंक यू।